जी बढ़िया हमारे दोस्त हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं, काम बढ़िया करते हैं और फिल्म बढ़िया बन रहा है। एक्टर जो है समर सिंह, प्रवेश लाल यादव, रोहित, अंशुमन सिंह, यामिनी सिंह, गरिमा सब अच्छा कलाकार हैं, मिलजुल के बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद बनी है फिल्म शायद, तो इतनी जल्दी कैसे बन गई और कितना मुश्किल होता है, कभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ देखा जाए तो बताइए इस बारे में। इसमें सब टीम का योगदान है, प्रशासन का योगदान है, जिसके कारण फिल्म हम इतना जल्दी तैयार कर सकते। तो कब तक पर्दे पाने की उम्मीद है और क्या कहना चाहेंगे, जो हुआ है एक साल में फिल्म का बिजनेस ही बहुत असर पड़ा है, आपको किस तरह से देखने को मिलता है कि आगे का भविष्य कैसा होगा और कितना मुश्किल होगा रिलीज करना इसको? जिंदगी जनवरी में तो लगभग जनवरी या फरवरी तक रिलीज कर देंगे फिल्म को, और कोरोना लेके तो जिंदगी में ऐसे भी आदमी को चढ़ाव उतार आता ही रहता है जिंदगी में। तो इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूसर के साथ? इसके बाद 24 या 26 को एक नेक्स्ट मूवी का मुहूर्त कर रहे हैं और ढेर सारा प्यार छोटों को। तो मैं बता दूं, बहुत ही खुशी की बात है कि डे बाय डे शूटिंग चल रही है, जैसे कि भोजपुरी फिल्मों की। तो बहुत ही मैं टेंशन में था जब लॉकडाउन कोविड-19 के चक्कर में हम लोग अपने घर में 2-3-4 महीने बंद थे। बंद के बाद जो जागे हैं हमारे भोजपुरी प्रोड्यूसर और हम और हमारी पूरी टीम और पूरे टेक्नीशियन, साथ में हमारे मीडिया भाई जो कि उसको बढ़ाए हैं। देखो क्या होता है, हर दुख के बाद एक सुख की घड़ी आती है, तो सिनेमा ही एक ऐसा सुख की घड़ी है जो कि हम लोगों को इंटरटेनिंग पहुंचाते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं रखेंगे दुख के साथ तो फिर आदमी बिल्कुल कहीं और भी डाइवर्ट हो सकता है, किसी और भी उसकी मनो बदल सकती है। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो कि सिनेमा, उस सिनेमा का मैं भी एक कहीं ना कहीं अंश हूँ। तो उस अंश को रखते हुए मैं अपने विचार को ये रखता हूँ कि जिस तरह से सिनेमा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री, ऐसे ही चलते रहेगी और काफ़ी फिल्में लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम बैलेंस बना लिए हैं अपनी सिनेमा को और दर्शकों के बीच में। तो लॉकडाउन के दौरान कौन सी फिल्म का शूटिंग किया और कैसा अनुभव था फिल्म का शूटिंग करने का? जी हाँ, मैं जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो एक मेरी फिल्म रुकी हुई थी, सिर्फ 4 दिन का काम था, बहुत बड़ी फिल्म थी, लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान दिए, पूरी मीडिया ने उसके पोस्टर और डिजाइन और उस ड्रेसिंग का तारीफ की, जिस फिल्म का नाम है राजमहल, क्योंकि मैं और अमरपाली ने इसे बेखुदी से लॉकडाउन के पहले कंप्लीट किया था। लेकिन कुछ सीक्वेंस जो थे शूटिंग करना था चाइना क्रिक में और फिल्म सिटी में, वैसे लॉकडाउन का नोटिस आया हमारे एसोसिएशन से, तो हम उस चक्कर में नहीं किए, वेट कर रहे थे कि जब खुलेगा, तो खुलते ही पहले वो कंप्लीट की, देन उसके बाद जय माँ बिंध्यवासिनी। एक पहली बार लोगों ने बहुत गाना गाया जय माँ बिंध्यवासिनी के ऊपर, मनोज जी हो या दिनेश जी हो या जितने सिंगर हैं, सबने बहुत ही गाना गाया है, लेकिन किसी ने फिल्म नहीं बनाया। तो अचानक एक हमारे प्रोड्यूसर हैं जय सिंह, जो कि गुरुजी भी हैं, उनका आश्रम उश्रम भी, तो उनके दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था और इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने मुझसे जब विचार किया तो हमने इसे 1-2 महीना तक वर्कआउट किया। विष्णु शंकर बेलू जो इस फिल्म के डायरेक्टर, उनके साथ फिर राइटर ओम झा के साथ बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, जय माँ बिंध्यवासिनी और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी महिमाओं के बारे में लेते हुए एक फिल्म मैंने कंप्लीट की, जिस फिल्म का नाम है जय माँ बिंध्यवासिनी। मैं और अंजना और बहुत सारे मनोज टाइगर, प्रकाश जय, समर चतुर्वेदी, के गोस्वामी, उमाकांत राय, रितु भारती, बहुत सारे लोग उसमें, अविंतिका यादव, तो बहुत ही मजा आया उसको पूरा, हमने प्रयागराज और विंध्याचल में शूटिंग करके कंप्लीट की फिल्म। तो कब तक आने की उम्मीद पड़ रही है? बिल्कुल वो अभी नवरात्रि अप्रैल में होगा, उसके पहले मार्च में वो फिल्म सभी दर्शकों को, और मुझे लग रहा है अगले महीने तक ट्रेलर भी लोगों के बीच में आ जाएगा, तो खूब देखेंगे और धूम मचाएंगे और जय माँ जय माँ का गीत गाएंगे। 4 फरवरी को अवार्ड फंक्शन हो रहा है, ग्रीन सिने अवार्ड, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? जी 4 फरवरी को जो हम लोग ग्रीन सिने अवार्ड कर रहे हैं वो, एक सेकंड थोड़ा स्टॉप करना। जी हाँ बताइए सर, कैसे हैं आप? जी सर अमरीश जी, जी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं जो भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन होने वाला ग्रीन सिने अवार्ड 4 फरवरी को मीरा रोड में जीसीसी क्लब में, उसके बारे में जानकारी दे, क्या क्या? सबसे खुशी की बात है, एक तो ग्रीन और दूसरे अवार्ड, तो दिल ऐसे ही बाग बाग हो जाता है जब ग्रीन अवार्ड का नाम सुनते हैं हम। और 4 फरवरी को जैसे कि हमारे बीच में माननीय इसके आयोजक पांडे जी और सोनू जी और सारे लोग बैठे हैं, मीडिया भाई, तो मैं बता देना चाहता हूँ जितनी जानकारी 4 फरवरी की, खूब बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है और पहली बार ये थाना से उठ के आए हैं मीरा रोड में, और मैं शुभकामना देता हूँ और अगली बार मीरा रोड से उठ के लोखंडवाला पहुँचेंगे ये भी कामना मैं देता हूँ।
तो मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है कि जो कि ग्रीन सिने अवार्ड है ये 4 फरवरी को हो रहा है, तीसरा अवार्ड है ना सुनो भैया, ये तीसरा अवार्ड, मैं पहले अवार्ड से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ डे बाय डे यानी हर साल एक अच्छा बेहतरीन करने की इनकी कोशिश होती है और पूरी टीम बहुत ही मेहनत करती है, तो इस साल भी बहुत धमाल होगा और इंडस्ट्री के सारे हमारे कोरोना के बाद सारे भाई पहला अवार्ड जो कि भोजपुरी का हम सब लोग धमाल मचाएंगे और स्टेज पे मंच पे खूब झूम के नाचेंगे और गाएंगे। सोनू जी क्या कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे? सर ऐसा है कि ये तृतीय वर्ष है और इसमें लगभग हम लोगों का प्रयास है कि जिस प्रकार से हम ग्रीनरी से भी जुड़े हुए हैं और जैसे सभी कलाकार हमारे आते हैं रेड कारपेट पर, लेकिन उनका आवाभगत हम ग्रीन कारपेट पे करते हैं, उसके पीछे भी मकसद यही है कि हमारी ग्रीनरी से भी हमारे कलाकार जुड़ें और वृक्षों की प्रधानता को समझें और उसको भी लेकर के अवेयरनेस आए कलाकारों के बीच में, और साथ में आने वाले समय में बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो प्रतिभा तो है लेकिन फिल्में छोटी थी, उनकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ऐसी भी फिल्मों को हम लोग ले रहे हैं कि जो कला का स्तर है वो थोड़ा सा और उठ करके आए और हमारे अवार्ड फंक्शन को कुछ अलग पहचान। और कौन कौन से कलाकार आपके साथ अब तक जुड़ चुके हैं? अभी तक तो लगभग सारे लोगों तक बात जा रही है, जैसे जैसे लोगों को अवकाश मिलते जा रहा है हम लोगों से मिलते जा रहे हैं और भरसक हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं बड़े से लेकर के, देखिए कलाकार तो कलाकार होता है बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए बात कही जाती है, तो जितने कलाकार हैं सबसे हम मिल रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए ये आपका अपना अवार्ड फंक्शन है और इसमें आप शिरकत करें और योग्य व्यवस्था के हिसाब से जो जिसके अंदर जैसी जितनी प्रतिभा है उस प्रतिभा के हिसाब से उसको हम अवार्ड दें। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ देखिए हमारे पांडे जो ऑर्गेनाइजर हैं, ग्रीन इनके शर्ट पे भी पौधे लगे हुए हैं, अभी से कसम खा चुके हैं कि लग रहा है कि ग्रीन अवार्ड को जब तक पूरा नहीं करेंगे और ऐसे ही ग्रीन पहन के घूमेंगे। जी हाँ सहयोगी हैं उनके तरफ से और हमारे जितने भी कलाकार हैं उनकी तरफ से मैं ये कहूँगा कि जो आप लोगों ने मुझे हर साल सहयोग दिया, आप लोग इसके माध्यम बने, मैं तो एक बस जरिया बना, लेकिन ये आप लोगों के लिए है और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसमें आएँ और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रूप दें, बहुत ही बड़े पैमाने में लेके जाएं और बाकी चीज़ें तो मेरे सहयोगी बड़े बड़े भाई सोनू सिंह जी ने आपको बताया है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग 4 फरवरी को ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएं। और आज जो पिक्चर की शूटिंग होता रहे ऊपर डायरेक्टर सचिन यादव जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, परवेश जी हैं, यामिनी जी हैं, तो मैं पूरी फिल्म को बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरी आने वाली फिल्में काफ़ी फिल्में हैं और अभी जैसे 27 से फिल्में जा रही है, आपके रक्त चरित्र है, फिर जाकर के आपको फिल्म है काबिल है, फिर जाकर के आपको फिल्म है थोड़ा प्यार थोड़ा मस्ती है जीती है, तो काफ़ी फिल्में जो जा रही है अभी बहुत सारी ऑन फ्लोर रिलीज़ है, अभी जैसे कसम पैदा 2 रिलीज़ हुई थी, उसके बाद अभी काफ़ी अनलिमिटेड मूवीज़ हैं जो अभी कर रहे हैं हम लोग। चलिए